सभी को सादर नमस्कार। आदरणीय प्राचार्य महोदय, विद्वान शिक्षकगण, नदी महोत्सव वेबिनार में भाग ले रहे मेरे प्यारे साथियों, मैं सानिध्य, कक्षा 8वीं का छात्र, केंद्रीय विद्यालय आयोध निर्माणी इटारसी से नदी महोत्सव वेबिनार के माध्यम से दक्षिण भारत की प्रमुख नदियों में से एक कावेरी नदी के बारे में PPT के माध्यम से संक्षिप्त परिचय देने जा रहा हूँ। भारत नदियों का देश है। प्राचीन सभी मानव सभ्यताएं नदियों के किनारे से ही विकसित हुई हैं। भारतीय नदियों को हम दो प्रमुख भागों में बांट सकते हैं। पहला, हिमालय से निकलने वाली उत्तर भारतीय नदियां, जो प्रायः सदा नीरा है, जैसे गंगा, यमुना, सतलज, ब्यास, रावी, चिनाव आदि। दूसरा, प्रायद्वीपीय नदियां, जो प्रमुख रूप से दक्षिण भारत में बहा करती हैं, और प्रायः ये सभी मौसमी नदियां हैं, जैसे कृष्णा, कावेरी, महानदी, गोदावरी आदि। दक्षिण भारत की प्रमुख नदी कावेरी के बारे में आज मैं यहाँ चर्चा करने जा रहा हूँ। दक्षिण भारत की गंगा कही जाने वाली कावेरी नदी दक्षिण भारतीयों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। यह दक्षिण भारत की एकमात्र सदा नीरा नदी है, जो इस इलाके के लिए पेयजल व सिंचाई का प्रमुख स्रोत होने के साथ ही साथ विभिन्न औद्योगिक विकास का आधार भी है। कावेरी नदी कर्नाटक व उत्तरी तमिलनाडु में प्रमुख रूप से प्रवाहित होती है। यह पश्चिमी घाट के ब्रह्मगिरी पर्वत से निकलती है। इसकी लंबाई लगभग 800 किलोमीटर है। दक्षिण पूर्व में प्रवाहित होकर कावेरी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। सिमसा, हेमावती, भवानी, अर्कावती व हारांगी आदि इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। कावेरी की लगभग कुल 50 सहायक नदियां हैं। भागमंडला, श्रीरंगपट्टना, भवानी, इरोड, तिरुचिरापल्ली, तंजावुर आदि कावेरी नदी के किनारे बसे हुए कुछ प्रमुख शहर हैं। तिरुचिरापल्ली कावेरी नदी के किनारे बसा एक प्रमुख हिंदू तीर्थ स्थान है। कावेरी नदी के डेल्टा पर अच्छी खेती होती है। वर्ष भर अपनी जल धाराओं से शीतल जल प्रवाहित करने वाली कावेरी नदी के किनारे कई रमणीय जल प्रताप व बांध बने हुए हैं। प्रसिद्ध शिव समुद्रम जल प्रताप उन्हीं में से एक है, जिसका प्रयोग प्रमुख रूप से विद्युत निर्माण के लिए किया जाता है। इसके अलावा कावेरी नदी पर मेंतोर व कृष्णराज सागर नामक प्रसिद्ध बांध भी बने हुए हैं। उत्तर भारत की गंगा कही जाने वाली दक्षिण भारत में कावेरी नदी को भी पूजा जाता है। इसका प्रमुख कारण नदी का पौराणिक महत्व है। विष्णु पुराण सहित कई हिंदू पुराणों में कावेरी नदी का उल्लेख मिलता है। कावेरी नदी तीन स्थानों पर दो शाखाओं में बहती है, जिससे वहां तीन द्वीप बन जाते हैं। इन द्वीपों पर भगवान श्री विष्णु के प्रसिद्ध मंदिर आदिरंगम, शिव समुद्रम व श्रीरंगम स्थित है। बात करें जल प्रदूषण की, तो देश की अन्य नदियों की भांति दक्षिण भारत की यह नदी भी प्रदूषण का शिकार हो चुकी है, जिससे नदी का जल विषाक्त हो रहा है। कावेरी नदी में प्रदूषण को लेकर कई शोध किए गए हैं, जिसमें भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के आर्थिक सहयोग से किए अन्ना विश्वविद्यालय के शोध के अनुसार कावेरी नदी में केमिकल की अधिकता का मुख्य कारण वहां की भूगर्भीय परिस्थितियां हैं। वहीं कावेरी नदी के आसपास स्थित पेपर मिल, सीमेंट, केमिकल व टेक्सटाइल के कई कारखानों से लगातार निकलने वाला अपशिष्ट पदार्थ नदी के जल को प्रदूषित कर रहा है। स्थितियां इतनी गंभीर हो चुकी है कि कावेरी नदी के प्रदूषण से आसपास के क्षेत्रों का भूमिगत जल भी बुरी तरह दूषित हो गया है। नदी प्रदूषण जैसी गंभीर समस्या को लेकर केंद्र व राज्य सरकारों द्वारा लगातार कई प्रयास किए जा रहे हैं, ताकि नदी प्रदूषण को रोका जा सके। कुछ सामान्य से उपाय हमें भी एक जागरूक नागरिक के तौर पर जल प्रदूषण को रोकने के लिए अवश्य करना चाहिए, जैसे मल मूत्र व कूड़ा कचरा आदि का त्याग हमें नदियों में नहीं करना चाहिए। मृत जीवों को जलाशयों में नहीं बहाना चाहिए। कृषि के लिए न्यूनतम मात्रा में रासायनिक खादों व कीटनाशक दवाओं का प्रयोग करना चाहिए। वाहित मल को संपूर्ण संशोधन के बाद ही
जलाशयों में छोड़ना चाहिए, तब जाकर के नदी महोत्सव मनाने की सार्थकता सिद्ध होगी। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।